किसने मारा तुम? हमारे अदमी और जेठानी और सास। अब यू देखो भैया, शादी ब्याह करने से पहले तनिक सावधान हो जाना, वरना दहेजो लेंगे, मारपीटो करेंगे। अब बिचारी भाभी की बात सुनो, इनका कहना कि सोहर का पूरा खानदान मिलकर इनके साथ मारपीट करता है। अब चाहे देवर की बात कर लो, चाहे जेठानी की बात कर लो, चाहे सास की बात कर लो, और चाहे भैया खुद सोहर की बात कर लो, सोहरों भैया इनका बहुत मार पीटत है। बिचारी भैया दूसरा को तालीम अप्लीकेशन नहीं है, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और इनका यह भी कहना है कि जो दहेज का सामान दिया था भैया, उसको भी लोग छुपा दिए, लापता कर दिए। तनिक सुनो क्या बोल रही थी बिचारी भाभी, बहुत परेशान है, आप इतनी सुना रही थी। बताओ भैया, इनके साथ मारपीट हुआ करती है? हम तो बदोसरा को साहब से कहना चाहेंगे कि साहब जांच कीजिए, कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिए। क्या नाम है? रोशन नाम। क्या मामला है जो थाने पर शिकायत किया? 15 दिन पहले हमको मारिन ना है तो हमारे घर वाले बुलाया, लेकिन आज फिर आए तो जब आए घर ताला दरवाजा खोल देखें तो माँ हमारा सब सामान गायब है। किसने मारा तुम? हमारे के आदमी और जेठानी और सास। अच्छा। और का देवर। अच्छा। तो सब सामान का वाला जेवर और जो दहेज का सब सामान है सब गायब है, ताला तोड़ के निकाल ली। अब लड़की की बात सुनी आपने भैया, भाभी बिचारी करे तो क्या करे, माँ बाप के चक्कर में बिचारी महिला परेशान हो जाती है हमेशा भैया, महिला पर ही उत्पीड़न होता है अधिकतर। देखो आप तो घर परिवार वाले कहेंगे कि अरे घर का मामला, चलो शांत हो जाओ, मायके ले जाएंगे ससुराल से, और फिर जब 15 दिन बाद ससुराल वापस जाएगी लड़की तो देखती है लो भैया हमारा सामान है लापता होगा। अब अप्लीकेशन नहीं है, कार्रवाई की मांग करें। हम देखते भैया दरोगा साहब क्या कार्रवाई करते। हम तो बताओ साई को दास साहब से कहना चाहेंगे कि साहब कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिएगा। फिलहाल आप लोग किसका कीजिएगा, अखिलेश दास ने खबर भेजी थी, हमने कहा आपको दिखा दें, दूसरी खबर देख लेते हैं। अब ये देखो भैया, अपने सहेली के साथ बाराबंकी जिले घूमे चली आई थे डालफिन, कहा डालफिन यहाँ का करने आई थी, कहीं देखो हम रिश्तेदारी में आए थे, रास्ता भटक गए थे, बहुत खिलखिला रही थी। हैरान मत होइए, मामा उत्तर प्रदेश बाराबंकी जिले के देवा क्षेत्र के मिताई के पास गुजरने वाली डबल शारदा सहायक नहर में देख लो भैया, शनिवार को दोपहर को 2 छोरी डालफिन देखी गई, जिनमें से भैया एक डालफिन को सुरक्षित बाहर निकाल करके अब सरयू नदी में छोड़ दिया जाएगा, दूसरे का भी रेस्क्यू किया जा रहा है। 6 घंटे लगे भैया एक डालफिन को पकड़ने में, और DFO रुस्तम परवेज जी की तारीफ करनी पड़ेगी, जैसे डालफिन देखे जाने की सूचना इनको मिलती है तुरंत ही लखनऊ टीम को सूचना दे देते हैं। उसके बाद तो डॉक्टर शैलेंद्र सिंह, अरुणिमा सिंह जी सबके सब पहुंच जाते हैं, और आखिरकार सुरक्षित डालफिन को निकाल करके अब सरयू नदी में छोड़ा जाएगा, दूसरे का भी रेस्क्यू किया जा रहा। अब आपकी कार्यक्रम किसी का वीडियो शेयर करना खत्म दूर का शर्मा साहब जो मिलेगी दबा दबाव खाते से अगले अंदाज करके सब्सक्राइब करो चैनल को, सिर्फ साहब जो मिलेगी दबाव उसके बेलाइकन।